नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रयागराज नहीं जाने दिया। अखिलेश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पाबंदी के बावजूद उसके छात्र संघ कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर अफसरों ने उन्हें रोक दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अखिलेश के आने से प्रयागराज में अराजकता और छात्र गुटों की हिंसा का डर था। अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी इसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं। यूपी सरकार के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने कार्यक्रम में राजनीतिक लोगों के आने पर रोक की सूचना अखिलेश को 3 बार दी थी। अखिलेश को रोकने के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन किया। प्रयागराज में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लखनऊ में राजभवन पर प्रदर्शन के बाद अखिलेश ने सीएम योगी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। मैं जानना चाहता हूं इस प्रदेश के सन्यासी योगी मुख्यमंत्री से कि अगर मैं अराजकता फैलाने जा रहा था, हिंसा फैलाने जा रहा था, हम पे बताओ धारा, अगर एक भी लगी हो धारा तो बता दो आप। अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोके जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एकजुट विपक्ष के खिलाफ बदले की राजनीति की जा रही है। यूपी का लीडर है जो एक चीफ मिनिस्टर है, जाने नहीं सकता है तो सबको लिए रुकावट है। हर हर जगह में खाली गुस्सा का राजनीति करते हैं, जो हेट का पॉलिटिक्स करते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव को रोकने की घटना बीजेपी सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या की प्रतीक है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश से सवाल पूछा कि क्या उन्हें कुंभ के सफल आयोजन से कष्ट है। एक जो पीसफुल शांतिपूर्वक कुंभ चल रहा है, जिसमें देश नहीं पूरे विश्व भर में उसकी प्रशंसा हो रही है, आपको वो पच नहीं रहा था अखिलेश जी। अखिलेश 10 दिन पहले प्रयागराज कुंभ में स्नान करने गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने बीकानेर जमीन घोटाले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा से पूछताछ की। दोनों से पूछताछ जयपुर में ईडी के दफ्तर में की गई। पूछताछ के लिए वाड्रा अपनी मां के साथ सुबह 10:30 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां पहले 1 घंटे तक ईडी ने उनकी मां मॉरीन से सवाल जवाब किए। उसके बाद 11:30 बजे से वाड्रा से पूछताछ शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम वाड्रा के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। वाड्रा ने जमीन घोटाले में सीधे भागीदारी से इनकार किया है। उन्होंने ईडी के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। ज्यादातर सवालों के जवाब में वाड्रा ने ये कहा कि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में उनका सहयोग बेहद कम है। जयपुर में ईडी दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पोस्टर लगाए। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रफाल डील को लेकर राहुल गांधी के नए आरोपों का जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के लॉबिस्ट बन गए हैं। राहुल जिस कंपनी का ईमेल मीडिया के सामने पड़ रहे हैं, वो कंपनी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है। मजबूरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी आज विदेशी ताकतों के लॉबिस्ट बनेंगे, इससे बड़ी पीड़ा की बात नहीं हो सकती है। और ऐसे कंपनी का ईमेल पढ़ेंगे जो खुद जांच के दायरे में है, भ्रष्टाचार में। राहुल गांधी ने आज रफाल डील को लेकर पीएम मोदी पर फिर आरोप लगाए। राहुल ने एक ईमेल का हवाला दिया और कहा कि पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा से समझौता किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तोड़ा है। राहुल ने कहा कि अनिल अंबानी डील से ठीक 10 दिन पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री से मिले थे। जिस डील के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, उसके बारे में अनिल अंबानी को जानकारी कैसे मिली? संसद के दोनों सदनों में रफाल को लेकर आज हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने एम नागेश्वर राव और सीबीआई के वकील एस भासुराम पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों को दिन भर की कार्यवाही पूरी होने तक कोर्ट रूम में ही बैठने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने दोनों को जुर्माने की रकम चुकाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया। एम नागेश्वर राव ने सीबीआई का अंतरिम निदेशक रहते हुए 17 जनवरी को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के जांच अधिकारी सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर एके शर्मा का तबादला कर दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि बिना कोर्ट की इजाजत के मामले की जांच में शामिल किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा। हालांकि आज कोर्ट में एम नागेश्वर राव ने अवमानना के लिए बिना शर्त माफी मांग ली थी।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल प्रयागराज कुंभ जाएंगे। अमित शाह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। सुबह 11:15 बजे उनका कुंभ में संगम स्नान का कार्यक्रम है। उसके बाद अमित शाह अक्षयवट सरस्वती कूप के दर्शन करेंगे। उसके बाद संगम के किनारे ही लेटे हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 1 बजे अमित शाह जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद गिरी से मिलने उनके आश्रम जाएंगे। उसके बाद 4 अखाड़ों और मौजगिरी आश्रम, स्वामी गुरु शरणानंद आश्रम जाएंगे। 2019 चुनाव के लिए बीजेपी ने मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान आज से शुरू कर दिया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अभियान की शुरुआत अहमदाबाद में अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाकर की। इस अभियान में बीजेपी ने देश के 5 करोड़ घरों पर पार्टी का झंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टिकर लगाने का लक्ष्य रखा है। अमित शाह ने दावा किया कि 2019 के चुनाव में फिर बीजेपी सरकार बनेगी और मोदी फिर पीएम बनेंगे। पहला संगठनात्मक कार्यक्रम मेरा परिवार भाजपा परिवार का आज हमने शुभारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर अपना समर्थन नरेंद्र मोदी के साथ जाहिर करने का एक कार्यक्रम। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए एक बार फिर महागठबंधन के नेता का नाम पूछा। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा बन गया भानुमती का कुनबा, ना नेता है ना नीति है ना सिद्धांत है। 10 दिन के मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान में पार्टी के बूथ स्तर तक के नेता 50 लाख कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचेंगे। इसके बाद 26 फरवरी को पार्टी नेता कमल विकास ज्योति कार्यक्रम के तहत केंद्र की सभी योजनाओं के लाभार्थियों के घर दिए जलाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक जवान शहीद हो गया। रत्नीपुरा इलाके में हुए एनकाउंटर में घायल हवलदार बलजीत ने सेना के अस्पताल में दम तोड़ दिया। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को भी मार गिराया। श्रीनगर में सेंट्रल जेल के बाहर भी पेट्रोल बम फेंककर हमला किया गया। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इस बीच सीमा पार से पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन के मामले दोगुने हो गए हैं। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने यह जानकारी लोकसभा में दी है। 2018 में सीमा पार से करीब 2140 बार सीजफायर उल्लंघन हुआ, जिसमें सेना के 14 जवान शहीद हुए।